हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में हम एक नए गेम खेलने जा रहे हैं। तो गाइस इस गेम का नाम है रॉयल बैटल टाउन। गाइस यार ये गेम बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है क्योंकि भाई इस गेम के अंदर आप लोगों को इतने खतरनाक और HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं ना भाई, जितने आप लोगों को रो फिर वाइस टाउन गेम के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। क्योंकि भाई उस गेम के अंदर आप लोगों को लग्जरी कारें वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलती है, और भाई इस गेम के अंदर आप लोगों को रोड पर ही मिल जाएंगी लग्जरी कारें। और गाइस आप लोगों को एक बात और बता दूं मैं, अगर आप लोगों को इस गेम को डाउनलोड करना है तो गाइस आपको सिंपल सी अपने मोबाइल फ़ोन का प्ले स्टोर खोल लेना है। उसको ओपन करने के बाद आपको वहां पर जाकर के सर्च करना है रॉयल बैटल टाउन। तो गाइस जैसे ही आप लोग वहां पर ये सर्च करोगे तो आपके सामने सबसे ऊपर ही ये वाला गेम आ जाएगा। आप लोग वहां पर क्लिक करके इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है गाइस, अगर आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना है तो इसका डाउनलोड का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहां से क्लिक करके आप लोग इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है गाइस, और भाई मतलब कि यार ये गेम मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब कि मैंने पहली बार खेला था ना इस गेम को, तो गाइस यार मुझे मतलब कि ये गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने आपके साथ इस गेम का थोड़ा सा गेम प्ले शेयर किया है। आप लोग गाइस इस वीडियो को पहले पूरा देखना, और भाई इस वीडियो को पूरा देखने के बाद फिर भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि यार मैं इस गेम की सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ या फिर ना करूँ, क्योंकि भाई मेरे को तो यार ये गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और भाई उम्मीद है आपको भी गेम अच्छा लगेगा क्योंकि भाई यार ये गेम ही ऐसा है। और भाई जैसे कि आपको रो फिर वाइस टाउन गेम के अंदर टिप्सन मिलता है जो कि आप लोगों को मिशन देता है, और भाई सेम ऐसे ही इस गेम के अंदर आप लोगों को टिप्सन नहीं मिलता, टिप्सन की जगह भाई इस गेम के अंदर जैक्सन है, मतलब कि यार वो जैक्सन बिल्कुल टिप्सन के जैसा है, टिप्सन के जैसे ही मिशन देता है। तो गाइस देखते हैं हम इस गेम के अंदर कौन कौन से मिशन है। भाई जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है इस गेम के अंदर जैसे कि रो फिर वाइस टाउन गेम के अंदर मिशन सेम है, तो गाइस इस गेम के अंदर भी सारे मिशन सेम ही है, मतलब कि थोड़ा बहुत ही फर्क है, एक आध मिशन में फर्क होगा, वो गाइस आप लोग देखते रहना वीडियो के अंदर, आप लोगों को सब कुछ पता लग जाएगा। और गाइस अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यार आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग गेम प्ले वीडियोस मिलती है। और गाइस यार वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि यार आपकी हर एक लाइक देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस जल्दी से फटाफट से इस गेम का हम एक मिशन कंप्लीट करने चलते हैं। सो गाइस देखो यहाँ पर फाइनली मेरा घर आ चुका है, अब मैं इस कार में से उतर के जल्दी से फटाफट से एक मिशन को कंप्लीट कर लेता हूँ। सो गाइस देखते हैं यहाँ पर कौन सा मिशन मिलता है। तो गाइस जल्दी से फटाफट से इस येलो पॉइंट के अंदर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है यार मीट द जैक्सन, मतलब कि आपको तो पता होगा रो फिर वाइस टाउन गेम के अंदर आता है मीट द टिप्सन, मतलब कि यार दोनों गेम के अंदर मिशन सेम ही है। तो गाइस यहाँ पर खड़ा हुआ है हमारा जैक्सन, तो गाइस ये खड़ा हमारा जैक्सन जो कि हमको मिशन देगा। भाई देख लो आप जैक्सन की शक्ल, भाई बिल्कुल मतलब कि टिप्सन के जैसा है। और भाई देखो यहाँ पर जो मतलब कि इसने मिशन दिया ना, भाई ये जो जा रहा है ना गैंगस्टर, मुझे इस गैंगस्टर को मारने जाना है, और भाई ऐसा नहीं कि उस गैंगस्टर को मारूंगा मैं, इस जैक्सन को भी मारूंगा यहाँ पर, इसके भी यहाँ पर मैं लाते बजाऊंगा और इस जैक्सन को भी यहाँ से मार करके फटाफट से मैं निकल जाऊंगा। तो गाइस इसको मारने की तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई ये बचे जा रहा है भाई, पता नहीं क्या हो गया इस जैक्सन को। तो गाइस यहाँ पर मैंने फाइनली इस जैक्सन को मार दिया है, अब भाई इसको मारने के बाद अब फटाफट से उस गैंगस्टर को मारने चलते हैं भाई जो कि हमें जैक्सन ने मिशन दिया था। तो भाई ये रहा वो गैंगस्टर, तो भाई मेरे को लगता है यहाँ पर ये एक ही गैंगस्टर है, तो फटाफट से इसको मार देते हैं हम यहाँ पर। तो गाइस यार इसके ऊपर तो असर नहीं हो रहा, तो चलो गाइस इसको मैंने मार दिया यहाँ पर। अरे गाइस ये क्या मतलब कि यार यहाँ पर तो दो गैंगस्टर और आ गए, अब इनको मैं बिना गन के कैसे मार पाऊंगा, मतलब कि यार ये तो मेरे को मार ही देंगे, और यार गन में मेरी एमओ भी नहीं है। सो गाइस यार इनको मेरे को मतलब कि बॉक्स इन करके ही मारना पड़ेगा, और गाइस यार मेरे पास तो मतलब कि हेल्थ भी एक ही है, अगर यार मेरे पास हेल्थ खत्म हो गई तो यार मेरी डेथ हो जाएगी, तो यार गाइस मेरे को यार यहाँ पर आराम से खेलना पड़ेगा। तो गाइस देखो यार यहाँ पर मैंने एक की तो बैंड बजा दी, भाई एक बचाए है, मतलब कि यार बहुत ही पावरफुल है। अरे गाइस मतलब कि यार मेरी हेल्थ यहाँ पर बहुत कम बची है, अगर गाइस इसने एक दो लात घुसो और मेरे मार देना तो गाइस मैं तो मर ही जाऊँगा यहाँ पर। तो गाइस यार इससे मेरे को थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा, अगर यार मतलब कि इसने एक दो गूत मार दे तो मेरा तो काम हो ही जाएगा। तो फिलहाल तो गाइस मैंने यार यहाँ पर इसको मार दिया, और भाई हमारी यार हेल्थ यहाँ पर कम बची थी, और भाई हमें यहाँ पर इस मिशन का मतलब कि रिवार्ड मिल चुका है। तो गाइस हमारा ये वाला मिशन कंप्लीट हो गया है, और गाइस यार यहाँ पर हमारी हेल्थ भी बढ़ा दी गई है, मतलब कि यार जैसे ही गाइस हमने इस मिशन को कंप्लीट किया तो गाइस यार हमारी यहाँ पर हेल्थ वगैरह बढ़ा दी गई है। सो गाइस मज़ा ही आ गया। और गाइस आप लोगों को इस गेम के अंदर मैं सबसे अच्छी बात बता दूं, मैं आप लोगों को इस गेम के अंदर आप लोग घर वगैरह भी बाय कर सकते हो, मतलब कि घर वगैरह, और गाइस इस गेम के अंदर आप लोगों को गैराज भी मिल जाते हैं जहाँ पर आप लोग अपनी कार वगैरह को खड़ी कर सकते हो। यस गाइस, और गाइस आप लोग जो इस कार को देख रहे हो ना, तो गाइस ये कार जो है ना इस गेम की टैक्सी है, मतलब कि यार ये टैक्सी इतनी लग्जरी कार के जैसी लग रही है, मतलब कि यार मेरे को तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है गाइस ये गेम।
और गाइस आप लोगों को मैं सबसे पहले लग्जरी कार लेके दिखाता हूँ, और गाइस उसके बाद ना आप लोगों को मैं इस गेम की शॉप में ले जाकर के दिखाऊंगा। इसके अंदर ना हमें बड़े खतरनाक पावरफुल गैजेट मिलते हैं भाई, मतलब कि इस गेम के अंदर हमें ड्रोन भी मिलता है, और भाई मतलब कि जो भी वो तो आप लोग आगे चल के देख ही लोगे। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ से इससे ये कार छीन ली और भाई ये मेरे पीछे पड़ गए। चलो गाइस कोई बात नहीं, फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। सो गाइस मतलब कि यार इस गेम के अंदर आप लोगों के पीछे इतनी जल्दी पुलिस भी नहीं पड़ती है। अब लेके चलता हूँ गाइस मैं आप लोगों को इस गेम की शॉप के अंदर, वहाँ पर जाकर के दिखाता हूँ गाइस आप लोगों को मिलता क्या है। सो गाइस देखो हम शॉप के अंदर आ चुके हैं। अब गाइस आप लोगों को मैं इस गेम की सबसे खास मशीनें दिखाता हूँ जो कि हमको बहुत ही पावरफुल लगती है। सो गाइस देखो ये है वो कार जो कि मतलब कि इसके ऊपर लगी हुई है, मतलब कि गन वगैरह लगी हुई है, मिनी गन, और भाई ये भी वो है, और भाई ये रहा हमारा ड्रोन। मतलब कि यार ये बहुत ही खतरनाक है, ड्रोन नहीं है भाई, ये शार्क है भाई, ये शार्क हेलीकॉप्टर यार बहुत ही खतरनाक है। अगर भाई इससे मैं फायरिंग करूँगा ना मज़ा ही आ जाएगा। और भाई ये एयरक्राफ्ट है, मतलब कि रो भी रो वाइस्टर्न गेम के अंदर आप लोगों को एयरक्राफ्ट जो मिलता है वो वैसे मिलता है सीधा साधा, और भाई ये तो इतना पावरफुल एयरक्राफ्ट है ना, अगर आप लोग इससे फायरिंग करोगे तो यार क्या ही मज़ा आएगा। और भाई आप लोगों को इस गेम के अंदर ये मिल जाता है मास्क यहाँ पर, और भाई चश्मा वगैरह सब कुछ ही मिल जाता है आप लोगों को, और ये इस गेम की पैंट वगैरह है, और आगे चल के इस गेम की ये शर्ट वगैरह है, मतलब कि इस गेम के आप लोग पूरी बॉडी चेंज कर सकते हो इस बंदे की। और भाई ये रहा इसका हेड वगैरह, मतलब कि आप लोग यार इसको पूरा सजा धजा सकते हो, मतलब कि बाकी सब तो सेम वही है रो फिर वॉइस टाउन के जैसा। तो चलो यहाँ से फटाफट से निकल लेते हैं। अब गाइस चलते हैं हम अपने हाउस के अंदर या फिर किसी उसके अंदर, मतलब कि किसी गैराज के अंदर भाई, जहां पर जाकर के हम अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। और हाँ गाइस मतलब कि आप लोग यार इस गेम के अंदर अपनी गाड़ी वगैरह को गैराज के अंदर पार्क कर सकते हो। यस गाइस फिलहाल तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ गाइस हमें और क्या क्या मिलता है इस गेम के अंदर। मतलब कि यार गाइस मेरे को तो इस गेम के अंदर फकत हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है भाई, जिसकी मदद से मुझे ये गेम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। और गाइस ये क्या है, मतलब कि सोने का डब्बा भाई, हीरे जवाहरात है क्या इसके अंदर। चलो सबसे पहले इस डब्बे को खोलता हूँ क्या मिलता है मुझे इस डब्बे के अंदर। तो गाइस इस डब्बे के अंदर यार मेरे को मिली है एमओ, मतलब कि यार इतना पावरफुल डब्बा दे रखा है भाई, उसके अंदर रख रखी है एमओ भाई, बड़े कमाल की बात है। अब गाइस जल्दी से फटाफट से यहाँ से मैं अपनी कार को लेकर के निकल जाता हूँ। अब गाइस मैं आप लोगों को इस गेम के अंदर लेकर चलता हूँ इसके गैराज में। यस गाइस और गाइस इस गेम के घर बाय कैसे करते हैं वो आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, फिलहाल तो मैं आप लोगों को इस गेम के अंदर गैराज के अंदर लेकर के चलता हूँ, जो कि यार मेरे को बहुत ही अच्छी बात लगी है इस गेम के अंदर। सो गाइस देखो फाइनली हमारा सामने यहाँ पर गैराज आ चुका है। अब इस गैराज के अंदर हम अपनी कार को आराम के साथ पार्क कर सकते हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये दो गैराज हैं, इन दो गैराज के अंदर हम अपनी कार को आराम के साथ खड़ी कर सकते हैं। सो गाइस जल्दी से अपनी कार को यहाँ से चला करके अपने गैराज में खड़ी कर देते हैं, और भाई वहाँ पर मतलब कि हम गैराज में खड़ी कर देंगे ना तो गाइस हमारी कार बिल्कुल सेफ हो जाएगी, मतलब कि यार हमारी कार को कोई चुरा नहीं पाएगा। मतलब कि यार और किसी गेम के अंदर कोई भी कार को किसी को चुरा करके ले जाते हैं ना, बट गाइस इस गेम के अंदर ऐसा नहीं होगा। सो गाइस हमारी कार यहाँ पर इस गैराज के अंदर बिल्कुल सेफ खड़ी हो चुकी है। अब बाहर चलते हैं भाई, बाहर जाकर के देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। और गाइस इस गेम के अंदर वहाँ पर सामने एक मतलब कि डब्बा रखा हुआ है हीरे जवाहरात का, तो सबसे पहले इस डब्बे को खोल करके देखूँगा भाई इसके अंदर क्या मिलता है मेरे को। चलो भाई इस डब्बे को यहाँ से ओपन करता हूँ, इसके लात घूसे बजाता हूँ मैं यहाँ पर। तो भाई फाइनली मैंने इस डब्बे को ओपन कर लिया भाई, मुझे यहाँ से मिली थी एमओ वगैरह। और एक गाइस यार यहाँ पर तो खड़ा है एक स्कूटर, जिसको भाई बाद में चलाएंगे, हम आराम के साथ चलाएंगे। फिलहाल तो हम यार ऊपर जाएंगे, मतलब कि यार एक ज्वेलरी बॉक्स और रखा हुआ है एक डब्बा भाई, इस डब्बे के अंदर भी देखेंगे भाई। मेरे को यार ये डब्बे ओपन करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है, मतलब कि यार रो फिर वॉइस टाउन गेम के अंदर आप लोगों को मिलते हैं लूट बॉक्स, लेकिन भाई इसके अंदर मिल रहे हैं आपको हीरे जवाहरात के डब्बे, भाई अजीब ही बात है। और गाइस ये क्या है यार इधर की साइड, तो इधर की साइड चलता हूँ यार, सबसे पहले वहाँ पर जाकर के देखता हूँ भाई यहाँ पर ये जंपर लगे हुए हैं। मेरे को लगता है शायद यार ये जंपर से मैं जंप मार पाऊँ। अरे गाइस ये क्या हो गया, मैं पानी के अंदर गिर गया, मेरे चोट भी लग गई यहाँ पर, मतलब कि यार मैं इस दीवार पर चढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। गाइस यार जंपर तो दे रखे यार मेरे को चढ़ने के लिए, ऐसा लग रहा है। और गाइस यार मैं चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ फिर भी। चलो गाइस खैर कोई बात नहीं, दोबारा से मतलब कि बाहर आ जाएंगे, फिर आकर के अपना आराम के साथ चढ़ जाएंगे हम। देखो मतलब कि यार गाइस आप लोगों को इस गेम के अंदर पानी भी कितना ज़बरदस्त मिलता है, मतलब कि है ना यार गाइस कमाल का गेम। तो गाइस यार आप लोग कमेंट बॉक्स में यार ज़रूर से बताना, क्योंकि यार मैं सोच रहा हूँ इस गेम की सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ। गाइस यार आप लोग भी इस गेम को डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है गाइस वहाँ से जाकर के आप लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल तो गाइस मैं देख रहा हूँ यार इस गेम के अंदर मुझे और क्या क्या मिलता है। अरे गाइस यार मैं मतलब कि इस पहाड़ के ऊपर चढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ यार, जैसे मैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ वैसे मैं नीचे गिर जाता हूँ। गाइस यार इस गेम की मेरे को यार ये अच्छी बात नहीं लग रही है, मतलब कि यार ओपन वर्ल्ड गेम है यार, मेरे को सब जगह जाना चाहिए था, बट यार ऐसा इस गेम के अंदर नहीं हो रहा है। और गाइस यार मतलब कि पानी के अंदर गिरने से यार मेरी हेल्थ तो बड़ी तेज़ी के साथ डिक्रीज हो रही है, तो यार मेरे को जल्दी से पानी के अंदर से बाहर आना पड़ेगा, वरना यार मेरी तो पानी के अंदर ही डेथ हो जाएगी। सो गाइस देखो मैं
पानी के बाहर आ चुका हूँ यहाँ पर। अब गाइस ये यहाँ पर आने के बाद देखो दो गैराज ये रहे हमारे, मतलब कि इस गेम के अंदर आप लोगों को काफ़ी सारे गैराज मिल जाते हैं। अब गाइस यहाँ से मैं अपना स्कूटर फटाफट से उठाता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। तो गाइस ये खड़ा हमारा स्कूटर, अब मैं इसको उठा करके यहाँ से निकल जाता हूँ। सो गाइस यार इस गेम के अंदर आप लोगों को ये स्कूटर भी ना बहुत ही पावरफुल मिलता है, मतलब कि यार बहुत ही स्पीड के साथ चलता है स्कूटर। और गाइस आप लोगों को रो फिर वॉच टाउन गेम के अंदर तो ये स्कूटर बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब कि ऐसे ऐसे ड्रोन मशीन और भाई शार्क एयरक्राफ्ट बिल्कुल भी नहीं देखने के लिए मिलेगा गाइस आपको, जो कि आप लोगों को इस गेम के अंदर मिलेगा। और गाइस यार ये गेम मेरे को फाइनल यार लास्ट डिसीजन में बहुत ही अच्छा लगा, मतलब कि इस गेम के ग्राफिक्स आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगेंगे अगर आप लोग इस गेम को डाउनलोड करके खेलोगे। और गाइस सबसे अच्छी बात बता दूं आप लोगों को मैं, इस गेम के अंदर आप लोगों के पीछे 4-5 पुलिस नहीं पड़ती है भाई, मुश्किल से ही 1-2 पुलिस पड़ती है जो कि भाई आप आराम से बाद में हट जाती हैं। सो गाइस आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप लोगों के पीछे इस गेम के अंदर पुलिस बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सो गाइस मेरे पीछे तो यहाँ पर 1-स्टार पुलिस लगी हुई है, मतलब कि यार ये पुलिस तो आराम के साथ हट जाएगी। सो गाइस फिलहाल तो मैं यहाँ पर ये कार छीनता हूँ और भाई इस कार के अंदर बैठ करके मैं चला जाता हूँ। भाई यार ये मतलब कि SUV कार है, मतलब कि आपको तो पता ही होगा रो फिरो वॉच टाउन के अंदर जो SUV कार है वो येलो कलर की है, लेकिन भाई इस गेम के अंदर ये SUV कार अलग ही टाइप से बनाई गई है। अरे जाती कहाँ है, रुक जा भाई, इस कार को खींच करके ना मैं इस कार के अंदर ड्राइविंग करूँगा और भाई मज़ा आ जाएगा। भाई कौन था इस कार का ऑनर, निकल लीजिए जरा बाहर को। भाई ये थी इस कार की ऑनर। चलो भाई फाइनली मैंने इस कार को यहाँ पर ले ली है। और गाइस यार अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस कमेंट बॉक्स में बताऊँ मैं इस गेम की सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ या फिर ना करूँ। तो गाइस यार बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी ऐसी इंटरेस्टिंग गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।